थोड़ी सी बात अब इसमें थोड़ा सा रंगत के लिए। अच्छा, ये आप क्या डाल रहे हैं इसमें? टमाटर, हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा नहीं डालना। इसके लिए तो मुझे सीढ़ी लानी पड़ती, मैं कहती हूँ सीढ़ी लाती, उस पर खड़ी होती लाडर पे, तो मैं हांडी को फॉलो करती। वैसे हामिद, एक बात है माशाल्लाह, जिस तरह आपने इस प्याज को ना ज़्यादा ब्राउन किया ना कम ब्राउन किया, मीडियम ब्राउन प्याज जिसे कहते हैं, आपने वो ब्राउन की और उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपने उसके अंदर टमाटोज और प्लम टमाटोज का और ग्रीन चिलीज का पेस्ट डाला, उसको हल्का वाटरी बना के, जैसे वाटरी हमें चाहिए, ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। वाटरी हमें इसलिए चाहिए कि निहारी पहले पतले फॉर्म में होती है, जब वो पतले फॉर्म में होती है। और जी कॉलर है हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि ये इसमें इंटरनेट पे हम देख सकते हैं ये प्रोग्राम? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं लिखने बैठी हूँ अपने लिए। मैं आपको देती हूँ, चार दफ़ा इंग्रेडिएंट दे दूँगी आपको, डोंट वरी। अभी हमने शुरू किया है प्रोग्राम, अभी तो आपको हम दो तीन दफ़ा और देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, आप रिलैक्स हो जाइए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो जी, ना नाम बताया और ना बताया कहाँ से कॉल हो रही। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चले मैं हाथों हाथ पहले इंग्रेडिएंट्स भी दे ही देती हूँ ना। सबसे पहले हमने मीट को टेंडर किया, मीट को टेंडर करने के बाद इसमें हमने जावत्री, बड़ी इलायची, साथ में लौंगे, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, सीख होल ज़ीरा, क्रश चिलीज़ और अजवाइन, और ये रेड चिलीज़ हमारे पास हैं। ये चीज़ें हमने सारी एक साथ पीस के हमने इस फॉर्म में करी। इसके अंदर सिवाय एक हमारा जो इसमें वो डाला है सुंड, सुंड का हमने इसमें, सुंड हमें दरअसल मिली नहीं, सुंड इसके अंदर मिक्स है। फिर हमने ये मसाला जो है रेडी करके यहाँ रखा है, और गार्निशिंग की चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन किया, नहीं, पहले ऑयल को गर्म किया। आप हमें जरा आप बताएंगे प्लीज। पहले हमने ऑयल को गर्म किया, उसमें हमने थोड़े थोड़े बहुत कॉलर ले लूं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या आप हलवा पूरी की बता सकते हैं, तो कैसे बनाते हैं? आज तो नहीं बता सकते, फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपको प्रोग्राम प्रोग्राम करेंगे ना, उसमें आपको बता देंगे हलवा पूरी। ईद पे करेंगे आप? आज निहारी बना रहे हैं, आज निहारी सीखो। ओके, कराची का स्पेशल शेफ हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको निहारी ईद पे खा सकते हैं? ईद पे? हाँ हाँ, ईद पे हलवा पूरी। मैं तो ईद पे आपको कलेजी खिलाने वाली हूँ। बकरा ईद तो हलवा पूरी तो अच्छा, ठीक है, बकरा ईद का इफ्तिताह कलेजी से। कितने बजे होगा आपका शो? आई डोंट नो, मुझे अभी तक इसका कोई टाइम, वैसे हमारा मोस्टली एक से दो ही होता है सोने जी। ठीक है, थैंक यू। सुंड को जिंजर पाउडर भी कहते हैं ना? हाँ, अच्छा, सुंड को जिंजर पाउडर भी कहते हैं। थैंक यू, देखो ऐसे कॉलर होने चाहिए जो हमें आके एकदम गेवी हाथ की तरह संभाल लें। थैंक यू, क्योंकि यहाँ जिंजर पाउडर के नाम से पैकेट में मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके जी, अल्लाह। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें, और इसी तरह जायका ही जायका में छोटे छोटे टिप्स भी आप देंगे ना। हामिद, तुम वुडन ये ले लो प्लीज़, वरना मेरे सर में दर्द और बढ़ जाएगा। तो जी, ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आपके लिए निहारी बना रहे हैं, और जिस तरह के हम ये निहारी बना रहे हैं आपके लिए, और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये निहारी बन रही है। और अब हम इसमें रेड चिली डाल रहे हैं। अच्छा, अब हामिद इसमें रेड चिली डालने जा रहे हैं। अच्छा, करीबन दो सारी डाल देने को सोचती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेज रजा को वेलकम टू जायका ही जायका। राजा, सॉरी राजा, मिसेज राजा फ्रॉम हाई वेकम। ओके जी, आपको वेलकम करते हैं जायका ही जायका में। फरमाइए, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। ये आज क्या बना रहे हैं, मैंने अभी भी देखा है। आज निहारी बन रही है, क्या बात है यार। निहारी किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही?
आपका प्रोग्राम बाजी बहुत अच्छा होता है और आपकी बातें और आपका सब कुछ बहुत हमें अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। तो दो तीन बातें जरा आपसे पूछनी थी। जी बोलिए। एक ये शेफ से पूछे कि हम लोग जब गर्म मौसम आते हैं तो बाजी जब उसे फ्रीज करते हैं तो एक दो के बाद क्रैक हो जाते हैं। हामिद आपसे सवाल किया जा रहा है कि जो हम लोग घरों में समोसे बनाते हैं जब हम उन्हें फ्रीज करते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं। क्रैक हो तो वो क्यों? इसलिए कि उसमें ये सॉल्ट नहीं डालते। आप जो समोसे की पेस्ट्री बनाने जाते हैं ना, बिल्कुल जीरा नहीं डाले, साबुत जीरा नहीं डाले, साबुत जीरा ना डाले और वो नहीं डालती। मुझे पता है वो डालने से तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है। नमक डालते हैं? नमक डालती हूं और ऑयल डालती हूं। नमक और ऑयल डालती हैं? तेल पका हुआ डाले आप? कच्चा ना तेल डाले। पका हुआ क्या मतलब उसे? जैसे आप कढ़ाई में पका हुआ तेल आपके पास स्पेयर है ना जी, वो वाला डाले उसे। और ज्यादा एक बात और क्लियर करा दें, बहुत जरा वहम सा हो गया। ये जो ओजरी नहीं होती जी, ये हम लोग बाजी शुरू से खा रहे हैं यहाँ भी पाकिस्तान। मैं आज आपको एक बात बताऊं, हामिद आज ओजरी खा के आया है और बना के आया है और हम इसको कह रहे हैं कि क्यों भाई तुम जब आ रहे थे तो तुम ओजरी हमारे लिए क्यों नहीं लेकर? बाजी ये ठीक है, मुझे ओजरी पसंद है, मैं बना लेती हूँ। पता है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं मगर कराहियत के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसमें कराहियत आए वो बात अलग होती है, लेकिन जो चीज जिस पार्ट से बिलोंग करती है नाई, जैसे वो कसाई वगैरह कहते हैं, कसाइयों की ये कहावत होती है कि पेट में दर्द हो तो ओजरी खाएं, और जैसे किसी की नेक में पेन है तो नेक का गोश्त खाएं। आई डोंट नो कि ये सच्चे के झूठे, मगर ऐसा लोग कहते हैं। क्या ख्याल है हामिद? ओजरी मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें हिकमत है, हिकमत है, और आई डोंट नो कि क्या हिकमत है, लेकिन कहते हैं बड़े बूढ़े। टीवी में सुनते हैं कि कुछ मौलाना हजरात कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं हाँ, लेकिन अब जरा कंफ्यूज। मगर वो मकरूह नहीं है, ओजरी मकरूह नहीं है, जी मकरूह नहीं है, और जो चीज मकरूह नहीं होती, हाँ हम उसको अपने टेस्ट वाइज, स्मेल वाइज, फैमिली में इसके बच्चे, मेरे बच्चे ओजरी की स्मेल नहीं पसंद करते मेरी फैमिली में, तो मैं जब कोई बनाता है तो मेरी स्पेशल उससे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज मुझे थोड़ी सी दे दीजिएगा। जब सफाई कर रहे होते हैं उस वक्त स्मेल होती है, उस वक्त होती है, नहीं वो अलाउड नहीं है, तो ठीक हो जाती है। लेकिन बस ये मैम सर, मैंने कहा बात क्लियर करवा लूं क्योंकि हम लोग खाते हैं। अब आपकी क्लेरिफिकेशन हो गई है, और करे आप बोले तो मैं इसके लिए डिक्शनरी खोल के आपको बता सकती हूं। टेस्टी बाजी, इस कदर टेस्टी उधर हम लोग स्लो से या साउथ और से लाते हैं। वो बट भी एक होती है, एक कलेजी हो, एक ओजड़ी होती है, एक बट होती है, वो वाइट एकदम वाइट होती है, ओजड़ी टावल की तरह होती है, बिल्कुल टावल की तरह होती है, मगर जो बट होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, वो स्टमक का मीट होता है जी, जी, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत फ्लेवरी उसकी। मेरी सिस्टर कोरमा बनाया करती थी तो यकीन करो कि मुझे ये चीजें बहुत याद आती हैं। बिल्कुल। तो जैसे अब आपकी तसल्ली हो गई? बिल्कुल मैं तसल्ली हो गई। आप कभी पूड़ी हलवा बनाइएगा ना? अभी भी एक कॉलर कहके गई है। अच्छा आपने अभी कहा है मुझे? अभी मैंने आपसे कहा पूड़ी हलवा बना तो लेती, लेकिन जो हमारी पूड़ी होती है ना बाजी, वो इतनी ज्यादा सेल्फ फ्रेजिंग में बनाइए, सेल्फ फ्रेजिंग हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, सेल्फ फ्रेजिंग जो आटा होता है ना जी, उसमें बनाइए, ये मेरी टिप है। सेल्फ फ्रेजिंग में और जैसे कि ये शेफ लोग जो है ना, ये अपनी कुछ कुछ चीजें छुपा के रखते हैं, मगर ज़ारा खान आपके लिए है। अच्छा, आप सेल्फ फ्रेजिंग में बनाएं, उसको थोड़ा सा आटा डाल दें। अब ये शेफ साहब कह रहे हैं तो मैं चैलेंज नहीं दे सकती। अगर आपको ये ना कि हो जाए ना कि ज़ारा ने पानी में बनाई है, आपने ऐसा लगेगा कि आपके ऑयल में नहीं बनी, पानी में बनी है। अच्छा। जब उसको टाइट सा गून लें, नो ऑयल, नो सॉल्ट, नो एनीथिंग, उसके ऊपर गीला टॉवल करके नीम गरम पानी से उस टॉवल को 2 आवर 1 आवर के लिए उसको ढक दें, और फिर उसके बाद आप पूरियां बनाएं। हाँ हाँ, क्या बात है। और हलवे का भी बाजी, मुझे येलो हलवा नहीं होता, वो भी प्लीज किसी से। सिर्फ जब हलवा का पानी बनाने जाती है उसमें वो डाल दीजिए, जर्दे का रंग, सेफ्रॉन डाल दे, जर्दे का रंग डाल दे उसके अंदर। डालने के साथ ही जब आप बनाएंगी, जब बास टाइम आप सूजी को बहुत भूनती है ना तो वो उसका नेचुरल कलर होता है, मगर जब आप हलवा पूरी वाले की हलवा पूरी चाहते हैं तो उसके जैसे तरकारी चाहते हैं, शेफ को मौका नहीं मिलेगा मेरे पास। आपका प्रोग्राम बाजी बहुत ही अच्छी होती है। मैंने शॉपिंग के लिए जाना था लेकिन मैं रुक गई, मैंने कहा जब तक ये खत्म नहीं होता मैं नहीं जा सकती। तुम बताओ हलवा पूरी के अंदर कलर का बताइए। हलवा पूरी के अंदर कलर नहीं, उसमें हलवे के लिए कलर नहीं डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ज़ाफ़रान डालना चाहिए, सेफ्रॉन डालना चाहिए, बस। मैंने आपको दो, देखो सेफ्रॉन महंगा होता है, वो पागल है। कलर डालेंगे तो वो पेंडू लगेंगे।
जाफरान महंगा होता है, जिसकी जेब अफोर्ड करती हो वो जाफरान डाले, और जिसकी जेब अफोर्ड नहीं करती वो जर्दे का रंग डाले। ज़ारा भी जर्दे का रंग डालती है और पीला हलवा बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ अच्छा, कॉलर है हामिद, कॉल तो लो प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने आपसे कहना था कि आप प्लीज ये जो पाउडर बनाया आपने वो एक मरतब फिर प्लीज। अच्छा जी, मैं हामिद एक दफा फिर बताइए प्लीज। डब्बा हाथ में ले चुके हैं हामिद साहब, आप पेन उठाया हुआ पेपर आप प्लीज दोबारा। ठीक है प्लीज। इसमें हमने सौंफ, सौंठ,